हेलो साथियों, नमो बुद्धाय। बोधि मंत्र यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं बोधाचार्य अनिल। आज मैं बात करूंगा आषाढ़ पूर्णिमा, जिसे हम गुरु पूर्णिमा भी कहते हैं। पूरी जानकारी बताऊंगा क्यों कहते हैं और भगवान बुद्ध के जीवन से ही संबंध है उसका, ऐसा क्यों है ये भी बात बताऊंगा। लेकिन आप उससे पहले आपसे निवेदन करूंगा, रिक्वेस्ट करूंगा कि अभी तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो कृपया चैनल सब्सक्राइब कर ले, घंटी की बटन सेलेक्ट करके ऑल सेलेक्ट कर ले ताकि वीडियो की नई अपडेट्स आपको मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो साथियों, जैसा आप सभी जानते हैं कि भगवान बुद्ध युवराज सिद्धार्थ थे, जब 29 वर्ष की आयु में उन्होंने गृह त्याग किया। क्यों त्याग किया? उन्होंने पत्नी छोड़ दिया, राहुल बेटे को छोड़ दिया, राजपाट छोड़ दिया। क्यों छोड़ दिया? उसकी मूल वजह थी साथियों कि उनके जो मामा का जो राज्य था कोलीवंश और पिता का राज्य शाकवंश, उन दोनों के बीच रोहिणी नदी का पानी उसके विवाद के कारण युद्ध होना था। तो युद्ध के विरोध में उन्होंने शाक सभा के विरोध में मतदान किया, जिसकी वजह से उनको दंड दिया गया। दो दंड उनके परिवार के संबंध में थे, एक दंड उनको गृह त्याग का था। उन्होंने स्वयं कहा कि मैं स्वयं राजपाट से संतुष्ट नहीं हूँ, संसार के दुखों से और ये हिंसा से मैं दुखी हूँ, इसलिए मैं स्वयं संन्यास लेना चाहता हूँ। इसलिए भगवान बुद्ध यानी युवराज सिद्धार्थ ने संन्यास लिया। संन्यास के बाद जब उन्होंने वैशाख पूर्णिमा के दिन, बुद्ध पूर्णिमा के दिन ज्ञान प्राप्त किया, ज्ञान प्राप्त करके जब लौट रहे थे तो उनको रास्ते में अपने 5 ब्राह्मण ऋषि याद आए, मित्र याद आए, जो उनकी तपस्या में साथ में थे, यानी साधना में साथ में थे। उन 5 ब्राह्मण ऋषियों को खोजने लगे। खोजते खोजते वो सारनाथ में पाए और सारनाथ में मिलते ही जब वो 5 ऋषि भगवान बुद्ध को देखते हैं, सन्यासी सिद्धार्थ के रूप में वो जानते थे, तो वो देखते हैं तो पहले सोचते हैं, मन में विचार करते हैं, चर्चा करते हैं कि मैं इसको प्रणाम नहीं करूंगा, इससे बात नहीं करूंगा। ये वही युवराज सिद्धार्थ है जिन्होंने खाना पानी शुरू कर दिया था और तपस्या छोड़ दिया था। ये क्या ज्ञान प्राप्त करके लौटा है? लेकिन जब वो भगवान बुद्ध उन 5ों के समीप जाते हैं, जैसे जैसे जाते जाते हैं तो वो 5ों ब्राह्मण ऋषि बिल्कुल प्रभावित होकर भगवान बुद्ध के चरणों में नतमस्तक हो जाते हैं और प्रणाम करके पूछते हैं, आप कौन हो, क्या बन के लौटे? भगवान बुद्ध ने पूरी जानकारी बताई और अपना नाम बताया जो रुवेला के बच्चों ने दिया था, गौतम बुद्ध बुद्ध। तो इस तरह से ये घटना हुई और ये घटना जो 5 ब्राह्मण ऋषियों के को दीक्षा की हुई, वो हुई आषाढ़ पूर्णिमा को। कब हुई साथियों? आषाढ़ पूर्णिमा, यानी आषाढ़ पूर्णिमा के ही दिन सारनाथ में इन 5ों ब्राह्मण ऋषियों को भगवान बुद्ध ने अपना शिष्य बनाया, प्रथम धम्म देशना उपदेशना दिया, यानी धम्म की स्थापना किया और बुद्धत्व का ज्ञान दिया, इसी दिन दिया। इसीलिए बौद्ध जगत में, पूरी दुनिया में इसको प्रथम धम्म चक्र प्रवर्तन दिन के रूप में मनाया जाता है और गुरु शिष्य की परंपरा हमारे देश में रही है, इसलिए इसका महत्व हो जाता है। और इसको महत्वपूर्ण घटना के कारण इसको गुरु पूर्णिमा का नाम दे दिया गया और पूरे देश और दुनिया में मनाया जाता है। तीसरी और एक महत्वपूर्ण घटना है, इसी दिन युवराज सिद्धार्थ जो है अपनी माँ की कोख में आए थे, ऐसा जनश्रुति और किताबों में लिखा है। तो साथियों, आपने यदि इसको ध्यान से सुना हो, समझा हो, आपको वीडियो पसंद आया हो, आपको जानकारी अच्छी लगी हो, तो लाइक कमेंट जरूर करें, चैनल सब्सक्राइब जरूर करें और शेयर करना भी ना भूलें। धन्यवाद। आपको पुनः से आषाढ़ पूर्णिमा को की गुरु पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामनाएं एडवांस में ज्ञापित करता हूँ। भवतु सब मंगलम, रखंतु सब बुद्धा, सब बुद्धानुभावेन सदा शोति भवन्तु ते। धन्यवाद।